भिवानी में राज्य स्तर के क्रिकेट महाकुंभ का हो चुका है आगाज। 6 दिन तक चलेगा ये क्रिकेट महाकुंभ। इस क्रिकेट महाकुंभ में प्रदेश की 36 कॉलेजों की टीमें ले रही हैं भाग। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भिवानी के राजकीय कॉलेज में क्रिकेट का महाकुंभ शुरू किया गया है। स्टेट लेवल की इंटर कॉलेज क्रिकेट प्रतियोगिता 6 दिन तक चलेगी। इस महाकुंभ में 36 कॉलेजों की टीम भाग लेगी और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ एसडीएम महेश कुमार ने किया। शारीरिक शिक्षक वजीर गोयात ने बताया कि राजकीय कॉलेज भीम स्टेडियम और जिनेट्रा स्कूल में प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इस अवसर पर एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से स्टेट लेवल पर हर खेल की प्रतियोगिता करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि खेलों का जीवन में बहुत महत्व है और खेलों से शरीर फिट होता है और शरीर फिट होने से दिमाग फिट होता है। डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेट लेवल इंटर कॉलेज क्रिकेट प्रतियोगिता का यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इसमें 36 जो एंट्रीज हैं, जो टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। नो डाउट कोई भी प्रतियोगिता होती है जिसमें आपकी शारीरिक क्षमता का एक परिचायक होता है और एक गेम स्पिरिट है, क्रिकेट स्पिरिट है, आपकी जो क्रिकेट गेम है गेम स्पिरिट के साथ खेला जाता है, डिसिप्लिन के साथ खेला जाता है और टीम स्पिरिट के साथ खेला जाता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और ये हम प्रतिबद्ध हैं कि इस प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। किसी खिलाड़ी को किसी प्रकार की भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए खिलाड़ियों ने यहाँ के प्रबंधों की सराहना की। यहाँ पर कितने आपकी तैयारी है? मेरा नाम साहिल गोस्वामी है, हम गवर्नमेंट कॉलेज जींद से आए हैं। यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट है वो खेलने आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी की गई है सभी टीमों के ठहरने के लिए और यहाँ पे खाने का भी प्रबंध किया गया है। हाँ जी, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है और अभी हम मैच खेलने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस प्रकार के जो गेम होते हैं, क्या फायदा है? बहुत अच्छे गेम है, या सर्टिफिकेट भी देते हैं जो आगे नौकरी में भी काम आता है। 6 दिन तक चलने वाले इस क्रिकेट महाकुंभ में जहां युवा खिलाड़ियों के बीच जीत हार के लिए संघर्ष होगा, वहीं इस महाकुंभ के लिए इन युवा खिलाड़ियों को नशे से दूर रखना उद्देश्य रहेगा।